हाय एवरीवन, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आप ऑनलाइन तरीका से ही अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है पैन कार्ड डाउनलोड, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड टाइप करके सर्च करते हैं, सर्च कर देने के बाद नीचे आपके पास दो वेबसाइट के पास नजर आ जाता है। पहला तो यहाँ पे NSDL का वेबसाइट नजर आता होगा, दूसरा दोस्तों यहाँ पे UTI का वेबसाइट नजर आता होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको उसी वेबसाइट पे क्लिक करना होगा जिस वेबसाइट से आपका पैन कार्ड बना होगा, ठीक है। अगर आपका पैन कार्ड SDL के वेबसाइट से बना है तब उस आपको पहला उस लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपका पैन कार्ड UTI के वेबसाइट से बना है तब उस आपको दूसरा लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे कि आपका पैन कार्ड किस वेबसाइट से बना है, तो सिंपल से जो भी आपके पास पैन कार्ड है पैन कार्ड ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड का जो बैक साइड होता है वहां पर देखिए आपके पीछे में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अगर NSDL लिखा हुआ नजर आ रहा है तो फाइनल आपका पैन कार्ड SDL से बना होगा। अगर UTI लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आपका पैन कार्ड UTI से बना होगा, ठीक है। या तो दोस्तों जब पैन कार्ड बनाते हैं तो वहां से दोस्तों आपको एक रिसीविंग भी दिया जाता है, उस रिसीविंग के माध्यम से दोस्तों पता कर सकते हैं कि फाइनली आपका पैन कार्ड किस कंपनी द्वारा बना गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो पैन कार्ड है NSDL से बना हुआ है तो मैं NSDL पर क्लिक करता हूँ। लेकिन दोस्तों दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक है। प्रोसेस देख लीजिए, अगर UTI से बना होगा तो सेम ही प्रोसेस होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं NSDL के वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड को दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका दोस्तों यहाँ पे आप पैन नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा तरीका दोस्तों अगर आप अपना नया पैन कार्ड बनाए, अभी तक आपका पैन कार्ड नहीं आया है आपके घर पे, तो दोस्तों आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, तो दोस्तों यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना होता है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है यहाँ पर फिलअप करना होता है। उसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड नजर आता है सेम कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप अपना पैन कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका पैन कार्ड बनाया हुए 30 डे हुआ है तो, ठीक है। अगर 30 दिन से पहले करते हैं तो दोस्तों अपना पैन कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड 30 दिन बना हुआ ज्यादा दिन हो गया, उससे जैसे 30 दिन हो गया, 31 दिन हो गया, या 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 4 साल हो गया, तो इस केस में आपको कुछ पैसा देना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 8.26 रुपए यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 दिन से पहले करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो मेरा पैन कार्ड है काफी ज्यादा पुराना है, इसके लिए मैं अपना पैन नंबर से ही डाउनलोड करने वाला हूँ। उसके लिए यहाँ पे पैन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका पैन नंबर होता है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर होता है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये GSTN जो लिखा हुआ है ऑप्शनल है, इसे आपको फिलअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कंसेंट देना है, यहाँ पे आप कंसेंट दे दीजिए। कंसेंट देने के बाद नीचे देख सकते हैं आपके पास एक कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको कैप्चा वाला सेक्शन आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता है सबमिट, तो दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पैन कार्ड का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ जाता है। जैसे सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक होता है वो यहाँ पर नजर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड और जिप कोड यहाँ पर नजर आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको OTP से वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आप OTP किस पर मंगवाना चाहते हैं, कि आप अपना मोबाइल नंबर पे या तो फिर ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे आपको टिक मारना होगा, ठीक है। अगर आप ईमेल आईडी पर चाहिए तो आप ईमेल पर टिक मारिए, अगर आपको मोबाइल नंबर पर चाहिए तो मोबाइल पर टिक मारिए, अगर आपको दोनों पर चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको बोथ पर टिक मार देना, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए कंसेंट देने के बाद यहाँ पे कंसेंट दे दीजिए। उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं OTP हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो जो भी दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आपके पैन कार्ड के साथ लिंक होता है, ईमेल आईडी लिंक होता है, उसमें एक OTP भेज दिया जाता है। तो जो भी OTP आता है यहाँ पे OTP वाला सेक्शन में आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता है वैलिडेट, तो दोस्तों आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नजर आता है, और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता है वो कंटिन्यू विद पेड ईपेन डाउनलोड फैसिलिटी, ठीक है। यहाँ पर सिंपल से आपको कंटिन्यू विद पेड पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आगे का यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 8.26 रुपए आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, या तो फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट दिखा दिया जाएगा कितना पेमेंट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 8.26 रुपए नजर आता होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे जब आएगा तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा।
उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जो आपका अमाउंट जो लगेगा कटेगा वो यहाँ पे दिखा दिया जाता है। उसके बाद ट्रांजेक्शन आई डी भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पे कन्फर्म, तो दोस्तों आपको पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं वो भी नजर आ जाता है, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं वो भी नजर आ जाता है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वॉलेट वगैरह करना चाहते हैं क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी नजर आ जाता है, या तो फिर यूपीआई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर नजर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्यूआर कोड में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई है, तो यहाँ पे मैक पेमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ चुका है, चलिए यहाँ पे मैं क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ। क्यूआर कोड स्कैन कर लेने के बाद फाइनली यहाँ पे पेमेंट हो जाता है, सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से पेज आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सेकंड के लिए लगभग एक मिनट तक आपको रुकना होगा, ठीक है, उससे पहले ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको रुकना ही होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। वेट कर लेने के बाद आपके पास इस प्रकार से पेज आ जाता है, ठीक है, आपको रिफ्रेश वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपके पास इस प्रकार से पेज आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे उसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखना जाता होगा जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नजर आ जाता है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या तो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे पेन कार्ड डाउनलोड करना था, उसके लिए यहाँ पर ऊपर में देखना जाता होगा डाउनलोड ई पेन, ठीक है। तो सिंपल से आपको डाउनलोड ई पेन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, जिससे स्क्रीन पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर नजर आता होगा डाउनलोड ई पी एन पीडीएफ। अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं पहला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, या तो फिर अगर आप एक्सएमएल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक पासवर्ड प्रोटेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। पासवर्ड क्या रहता है तो वो देख लीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ही रहता है, सबसे पहले आपका डे फिलअप करना होगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर होगा, ठीक है, कंप्लीट आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसके लिए यहाँ पे डाउनलोड ई पी एन पर मैं क्लिक करता हूँ पीडीएफ फाइल पे, तो फाइनल देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड चुका है। चलिए सो इसे मैं ओपन करके भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। फाइनली सो मैं ओपन पर क्लिक करता हूं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता है सबमिट, तो सबको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो फाइनल देख सकते हैं जो मेरा पेन कार्ड है यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। नीचे जो आपका ओरिजिनल पेन कार्ड होता है जो आपके घर के पते पे आता है वो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है, ठीक है। आप इसे प्रिंट आउट ले लीजिए, पीवीसी कार्ड बना लीजिए, उसके बाद जहाँ पे आप यूज करना चाहते हैं इजी वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ किस प्रकार से आप ऑनलाइन तरीका से ही आप अपना पेन कार्ड को डाउनलोड करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। तो ऐसा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दिया हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो में आपको अच्छा लगा हो रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं इस प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दो सब लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।